Hi everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. My name is Jolly Yadav. और दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नोएडा एक्सटेंशन के एक अपकमिंग सेक्टर पर. बेसिकली इस वीडियो में मैं इस पूरे सेक्टर को कवर करने वाली हूँ, इसका ओवरव्यू करने वाली हूँ. यहाँ पर किस तरीके की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, क्या आज के टाइम पे यहाँ पे रेट्स चल रहे हैं, फ्यूचर में यहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली है. सो सारी चीजें मैं इस सेक्टर के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. आज जिस सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन. सबसे पहले मैं आपको इसके लोकेशन से वाकिफ करा देती हूँ. तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है राजेश पायलट चौक, इस तरफ है सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन एंड बीच में आ जाते हैं आपके दो रोड एंड उसके बिल्कुल ही साइड से शुरू हो जाता है आपका सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन. यानी कि ये दोनों सेक्टर बिल्कुल लगे हुए हैं. प्लस पीछे आप ये जो रोड देख सकते हैं, ये रोड फर्दर आपका गौर चौक से कनेक्ट हो जाता है. एक मूर्ति वगैरह आप सभी इस रोड से एक्सेस कर सकते हैं एंड ये पूरा सीधा आपका चला जाता है ये आगे रोड सेक्टर 12 की तरफ. यहाँ से अगर मैं गौर चौक की बात करूँ तो वो अराउंड यहाँ से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर होगा. सेंट्रल नोएडा अराउंड आपके 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर होगा. उसके अलावा ग्रेटर नोएडा का परी चौक यहाँ से अराउंड 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर होगा एंड दिल्ली यहाँ से अराउंड आपके 25 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगी. उसके अलावा सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के बिल्कुल ही ऑपोजिट रहेगा नॉलेज पार्क 5. ये बिल्कुल ऑपोजिट लोकेशन रहेगी, जैसे कि यहाँ पर सेक्टर 10 है, सेक्टर 10 के बिल्कुल बगल में सेक्टर 12 है एंड सेक्टर 12 के बिल्कुल ही ऑपोजिट रहेगा नॉलेज पार्क 5. तो नॉलेज पार्क 5 में आपके काफी सारे यू नो एजुकेशनल हब्स प्रेजेंट रहेंगे. उसके अलावा काफी सारी कंपनीज आएंगी तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे हमारे सेक्टर 12 के लिए. सो गाइस ये तो थी लोकेशन इस सेक्टर की. अब मैं आपको इस सेक्टर की तरफ लेके चलती हूँ, प्लस इस पूरे सेक्टर को साथ में देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं. गाइस सेक्टर 12 के बिल्कुल ही नजदीक एजुकेशन हब भी है, नॉलेज पार्क 5 बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बच्चों के स्कूल्स वगैरह भी काफी सारे मिल जाते हैं. अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो अराउंड 8 से 10 स्कूल्स आपको बिल्कुल नियर विसिनिटी में यहाँ पर मिल जाते हैं. इनफैक्ट जो कुछ ऑपरेशनल स्कूल्स हैं तो मैं उनके बाहर खड़ी हुई हूँ. सेक्टर 12 से हार्डली आपके 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप यहाँ पर देखें तो 4 से 5 स्कूल्स यहाँ पर पीछे मिल जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिटी स्कूल है, श्रीराम ग्लोबल स्कूल है, उस तरफ डीजीएस बिजनाथम स्कूल है. तो 4 मेजर स्कूल्स तो आपको यहीं पर मिल जाते हैं जो कि आज के टाइम पे ऑपरेशनल कंडीशन में है. उसके बिल्कुल साथ ही अगर हम सेक्टर 12 के बिल्कुल ऑपोजिट देखें तो वहाँ पे डीपीएस स्कूल भी है जो कि ऑपरेशनल है. तो ये 5 से 6 आपको ऑपरेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं बिल्कुल नजदीक में. उसके अलावा कई सारे प्रपोज भी हैं, कई सारे आने वाले टाइम में भी बनेंगे. सो ओवरऑल 8 से 10 स्कूल्स आपको यहाँ पर नजदीक में मिल जाते हैं. गाइस सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन अराउंड 30 एकड़ का सेक्टर है एंड अगर इसकी हम यहाँ की डेवलपमेंट की बात करें तो मेजर लाइमलाइट यहाँ पर 2 से 3 साल पहले आई थी जब यहाँ पर बिल्डर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च किए, जैसे कि सिविटेक स्प्रिंग, सिविटेक बिल्डर का प्रोजेक्ट है, फ्यूजन ग्रुप एंड रिविले, स्प्रिंग एल्मिस. जब इस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुए तब ये सेक्टर थोड़ा सा लाइमलाइट में आया. उससे पहले यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी. अभी की अगर मैं डेवलपमेंट स्टेज की बात करूं तो काफी ज्यादा इनिशियल लेवल पर है. आज से 5 साल पहले की अगर हम रेट्स की यहाँ पर बात करें तो वो अराउंड 2500 से 3000 के रेट्स थे और एट प्रेजेंट आज के टाइम पे यहाँ पर रेट अराउंड 7000 के रहेंगे. प्लस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेजरली लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट हैं. एक यही एक प्रोजेक्ट है सिविटेक स्प्रिंग्स जो कि थोड़े से आपके अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है. अदरवाइज सारी जो सोसाइटीज यहाँ पे बन रही है वो सब के सब प्रीमियम सोसाइटीज है. यहाँ पर जो अगर मेजर जो लैंड बैंक है उसमें बहुत लिमिटेड हाई राइज प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मेजरली यहाँ पर लो राइज घर रहेंगे, प्लॉट्स रहेंगे एंड उसके अलावा कुछ लैंड यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहेगी. इसका जो नेबरिंग सेक्टर है वो रहेगा सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन, बिल्कुल इससे लगा हुआ सेक्टर है एंड वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पे मौजूद है. अरिहंत के प्रोजेक्ट है वहाँ पर, कोको काउंटी प्रेजेंट है, महागुण मंत्रा प्रोजेक्ट प्रेजेंट है एंड इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स में लोग ऑलरेडी रहना शुरू हो चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स पोजेशन दे चुके हैं एंड वहाँ पे लोग आ चुके हैं. तो वहाँ पर हलचल हो चुकी है, वहाँ पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं तो उसका फायदा इस सेक्टर को भी मिलेगा क्योंकि वहां पर अब लोग आने लग गए हैं, वहां पर रहने लग गए हैं तो वहां का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होगा. वहां पे यू नो सोसाइटी शॉप्स वगैरह आ गई हैं, मार्केट एरियाज वहां पर आ जाएंगे, उसका बेनिफिट इस सेक्टर को भी काफी ज्यादा मिलने वाला है क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, दोनों ही सेक्टर बिल्कुल लगे हुए हैं.
अगर मैं वहाँ के एवरेज रेट की बात करूँ तो वहाँ पर आज के टाइम पे 7,000 से 8,000 का रेट चल रहा है। दैट मीन्स बोथ दी सेक्टर्स दोनों में रेट आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पर एट प्रेजेंट विक्ट्री वन नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोग रह रहे हैं, अदरवाइज बाकी तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है एंड 3 से 4 साल में ये डिलीवर होंगे। अभी यहाँ पर कई सारे लोगों ने प्लॉट्स पे अपने घर बनाए हुए हैं। अदरवाइज सेक्टर 10 आपका वही अभी यहाँ पर एक मेजर सोसाइटी है, वही वही है जहाँ पर लोग अभी एट द प्रेजेंट रह रहे हैं। ऑल्सो अभी यहाँ पर एट द टाइम कोई मेजर मॉल या कोई मार्केट एरिया प्रेजेंट नहीं है, तो जो डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए टोटली लोगों को सोसाइटी शॉप्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। एंड नेबरिंग सेक्टर जो है सेक्टर 10, वहाँ की जो सोसाइटी शॉप्स हैं जो कि आज के टाइम पे ऑपरेशनल हो चुकी है उन पर डिपेंड होना पड़ेगा। अदरवाइज आपके नजदीक में गौर सिटी मॉल वगैरह ये सारे मॉल सबसे नजदीकी मॉल्स यहाँ पर रहेंगे। गाइज लाइक आई टोल्ड यू अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, लेकिन नेक्स्ट 2-3 इयर्स यहाँ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 2-3 साल में अपना पोजेशन देना शायद शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा एल्डिको भी अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आ रहा है। तो सारे के सारे आपके रिनाउंड बिल्डर्स हैं। फ्यूजन ग्रुप ने तो नोएडा एक्सटेंशन में नोएडा में काफी सारे अपने 2-3 अराउंड प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं एंड यहाँ पर भी उनका काफी अच्छे से काम चल रहा है। सिविटेक ने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं एंड वो भी एक बहुत ही अच्छा बिल्डर है। एंड पिछले साल इन्होंने अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एंड डेवलपमेंट इन्होंने कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से यहाँ पे कर दिए कि काम भी दिखने लग गया है इनका। इन्हें अपने टावर में काफी ज्यादा काफी हद तक काम अपना ऑलरेडी अभी कर दिया है। इसके अलावा स्प्रिंग एलमेंट्स है, वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे यहाँ पर। प्लस आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ पे कई सारी डेवलपमेंट और देखने को मिलने वाली है, मैंने प्रोजेक्ट्स आपको बताए हैं। उसके अलावा मैं अगर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां पर आपकी एक्वा लाइन एक्सटेंड होकर आएगी जो कि सेक्टर 12 से अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगी। इसके अलावा एशियाज लॉन्गेस्ट कमर्शियल बेल्ट आपका यही इसी सेक्टर के थ्रू जाने वाला है। जी हां, जो 17 किलोमीटर का जो कमर्शियल बेल्ट है जो कि गौर चौक से आपका शुरू हो जाता है एंड फर्दर आपका तिलपता गोल चक्कर तक जाता है एंड उस पूरे बेल्ट में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल्स ही रहेंगे, तो वो इन फ्यूचर इस एरिया से भी गुजरेंगे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ अट्रैक्शन दिस सेक्टर विल गेट एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कमर्शियल के भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड अदर देन दैट अगर मैं एक एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो योटा डेटा सेंटर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा वो भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा नजदीक है एंड वहाँ पर काफी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं MNCs हैं वो वहाँ पर सेटअप होने वाली हैं। उनकी वहाँ पर लैंड है, गूगल की लैंड है, Amazon की लैंड है, Facebook की वहाँ पर लैंड है। सो स्पेशली जो वर्किंग क्लास है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक सूटेबल सेक्टर होने वाला है एंड आज के टाइम पे यहाँ पर रेट्स फिर भी काफी ज्यादा रीजनेबल है। ऑल्दो ये एक प्रीमियम सेक्टर है बट इन फ्यूचर 2-3 साल बाद आपको यहाँ पर भी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। जो आज के प्राइस हैं कम से कम आपको 10 से 15 लाख का अप्रिशिएशन बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल जाएगा। गाइस सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन की अगर हम USPs की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी USP ये है कि ये आने वाले टाइम में नोएडा एक्सटेंशन का एक सबसे अच्छा प्रीमियम सेक्टर रहेगा। इनफैक्ट इस सेक्टर को अभी भी इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई एंड प्रॉपर्टीज ही रहे हाई एंड यूजर्स के लिए एंड काफी ज्यादा लो डेंस सेक्टर है, लिमिटेड हाई राइज प्रोजेक्ट है, ज्यादातर यहाँ पर प्लॉट्स रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको आसपास सारी चीजें मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट हब आपका नजदीक है, स्कूल्स आपको नजदीक मिल जाते हैं 8 से 10, ग्रेटर नोएडा आपका यहाँ से इजिली एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है जहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। आज के टाइम पे यहाँ पर एक पेट्रोल पंप ऑपरेशनल स्टेज में आपको बिल्कुल नजदीक मिल जाता है, हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पर। नॉलेज पार्क 5 बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, इसमें भी काफी सारे बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी टू मूव इन सेगमेंट का है जो कि है विक्ट्री 1, या ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूजन ग्रुप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड एक और अच्छी चीज ये है इस सेक्टर की कि यहाँ पर जो ज्यादातर इन्वेंट्रीज है, जो ज्यादातर यूनिट्स है वो आपकी 3 BHK एंड प्लस की ही यूनिट्स रहेंगी। 2 BHK आज के टाइम पे सिर्फ यहाँ पर सिविटेक स्ट्रिंग्स भी ऑफर कर रहे हैं। सो अगेन जैसे कि मैंने शुरुआत में जो मैं पॉइंट बता रही थी कि ये एक प्रीमियम सेक्टर रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो एक अच्छे सेगमेंट के लोग रहेंगे उनके लिए ही यहाँ पर ज्यादातर प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड है। एंड अगेन आई विल रिपीट कि ये लो डेंस सेक्टर है तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको ओपन एरियाज मिल जाएंगे।
बिल्कुल भी क्राउडेड फील नहीं होगा. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्टर गाइज. अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपने यूज के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, तो आज का टाइम सबसे अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप यू नो डिले करते जाएंगे तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती जाएगी एंड आपके बजट से बाहर होती जाएगी. अप्रिशिएशन की मैं बात करूँ तो यहाँ के जो प्रॉपर्टीज है वो श्योरली अप्रिशिएट करेंगी. अगर मैं लास्ट ईयर से भी कंपेयर करूँ तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पर रेट्स में. जो प्रॉपर्टी 45 लाख की थी वो आज 60 लाख में हो चुकी है यहाँ पर. तो आप एक साल में सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा अप्रिशिएशन यहाँ पर देखने को मिला है. तो नेक्स्ट 2 से 3 साल में यहाँ पर जो एवरेज रेट रहेगा वो अराउंड 9,000 का एवरेज रेट रहेगा. दैट मीन्स आज अगर यहाँ पर आप 7,000 में प्रॉपर्टी बुक कर देते हैं तो आपको वो 9,000 पे अगर आप उसको बेचना भी चाहें तो आपको 2,000 का एक अप्रिशिएशन मिल जाएगा, विच इज अ वेरी ह्यूज अप्रिशिएशन. सो गाइस, अगर आप सेक्टर 12 रोड एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं देन प्लान अभी कर लीजिए एंड इसको बुक भी कर दीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर यहाँ पे काफी ज्यादा अप्रिशिएशन हो जाएगा. उसके बाद मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू यू नो बाय अ प्रॉपर्टी हियर. बट दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्टर गाइज. अगर आपको ये ओवरव्यू पसंद आया है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोज एंड आई सी यू फॉर सम अदर वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.